हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोलफुल पांडा में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरी मनाली ट्रिप के बारे में, जो कि एक बहुत ही कम बजट में थी। हमारी शॉपिंग, हमारी ट्रैवलिंग कॉस्ट, हमारा खाना, हमारे होटल, हमारी बसेस और हमारी पैराग्लाइडिंग मतलब एडवेंचर स्पोर्ट्स और रिवर जंपिंग, सारा कुछ इंक्लूडेड इन जस्ट 10,000 रुपीज। अभी तो आप कहीं मत जाइए, अपने घर में रहिए क्योंकि वही सेफ है इस जगह। लेकिन जैसे ही ये चीज़ ख़त्म होती है तो अब आपकी नेक्स्ट ट्रिप कहाँ होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मनाली एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है आफ्टर कोरोना वायरस एंड्स, क्योंकि वहाँ के जो लैंडस्केप्स हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, आपको एकदम रिफ्रेश फीलिंग देगा, जिसको देकर जिसको लेकर आप अपनी ज़िंदगी में एक आगे बढ़ सकते हैं। तो मनाली जाने के बेसिकली चार तरीके हैं। तो आप जा सकते हैं प्लेन से, आप जा सकते हैं कार से, आप जा सकते हैं ट्रेन से, आप जा सकते हैं बस से। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई यहाँ से 5th of July को हमारी जयपुर से बस थी अराउंड 6:30 की, जिसने कि हमें अगले दिन चंडीगढ़ पहुँचाया 7:00 बजे। रास्ते में ही हमने चंडीगढ़ में होटल बुक कर लिया था, क्योंकि जो नेक्स्ट डे हमारी मनाली की बस थी वो थी 6th of July को 11:30 बजे। तो हमारे पास एक पूरा दिन था चंडीगढ़ घूमने के लिए। चंडीगढ़ में देखने के लिए सुगना लेक, रॉक गार्डन और आप अगर चाहें तो इलांटे मॉल घूम सकते हैं। लेकिन अब अगर हम मनाली की बात करते हैं तो पहाड़ों के सामने सब कुछ फीका हो जाता है। तो चंडीगढ़ में हमने बुक कराया होटल ओयो के थ्रू, जो कि हमें पड़ा अराउंड 800 रुपीज़ का। 7 बजे का चेक इन नहीं होता है हमें, तो ओयो में चेक इन होता है 11 to 11 AM to next day 11 AM। तो हमारा ब्रेकफास्ट जो कि इंक्लूडेड था, तो हमने उसी दिन उनसे ब्रेकफास्ट मंगा लिया, क्योंकि नेक्स्ट डे हम अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि हमारी उसी दिन की मनाली की टिकट थी 11:30 की रात को। तो हमारे पास पूरा दिन था। तो पहले तो हमने जाके रेस्ट करा होटल में और शाम को हम निकले रॉक गार्डन देखने के लिए। उसके बाद में हम गए सुगना लेक, ठीक। उसके बाद में हमने कुछ स्नैक्स लिए क्योंकि भूख लगी थी बहुत तेज। तो फास्ट फूड काफ़ी सस्ता है चंडीगढ़ में, क्योंकि अगर आप बजट ट्रिप में हैं तो खाने पर और घूमने में सबसे ज़्यादा खर्चे होते हैं। जितना ज़्यादा आप सेव करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। 11:30 की बस जो थी हमारी, उसकी टिकट थी अराउंड 1100 रुपीज़ की। उसके बाद में हम पहुँचे मनाली सुबह 7 बजे। लेकिन रास्ते में जो व्यूज थे मज़े आ गए सच में। ऑनलाइन बुक करते हो प्लीज़ विंडो सीट ही बुक करिए, क्योंकि ऐसे ऐसे व्यूज़ देखेंगे जो आप मिस नहीं करना चाहते हो। मैं पर्सनली अगर बताऊँ आपको, तो अगर आप होटल नियरेस्ट लेंगे बस स्टैंड के, तो वहाँ पर भी आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ से डायरेक्ट वॉक कर सकते हैं। और बस स्टैंड जो है वहाँ पर, प्राइवेट बस स्टैंड जो है वो जस्ट नदी के पास में है, तो वो जो व्यू है वो बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। उतरते ही जो झरने की आवाज़ है, जो शांति है, वो फील होने लग जाएगी और एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। और अगर आपका होटल जो है नदी के पास है, तब तो आपको नदी की आवाज़ भी आएगी, नदी का व्यू भी दिखेगा और सारी चीज़ें दिख सकती हैं। हमारा जो होटल बुक करा था वो भी हमने ओयो रूम से बुक करा था, और उसकी 3 दिन की कॉस्ट जो हमें पड़ी वो अराउंड जस्ट ₹2,500। और इसमें 3 दिन का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, क्योंकि हमने स्कूटी रेंट कर ली। उसकी जो कॉस्टिंग थी वो हमें पड़ी पर डे की 700 रुपीज़, जो कि एक नॉर्मल प्राइस है, क्योंकि हम पीक सीजन में नहीं गए थे, तो हमें चीज़ें सस्ती पड़ी और सस्ती मिली, जो कि हमारे लिए अच्छी चीज़ रही। स्कूटी लेकर हम सबसे पहले गए मनु टेम्पल, जो कि एक बहुत ही अच्छी जगह है जाने के लिए। सबसे पहले हम मनु टेम्पल गए। मनु टेम्पल वहाँ का मनाली का ओल्ड मनाली का बहुत ही पुराना मंदिर है, जिसको जहाँ से बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आप देख सकते हैं। और सबसे पहले हमने मनु टेम्पल के दर्शन करे। उसके बाद में हम वहाँ पर एक जगह है वन विहार में बहुत सारे देवदार के पेड़ हैं, और वहाँ पर आप जाके अपना चाय तिल वहाँ पर आप जाके आराम से चिल कर सकते हैं। पीछे एक जगह है जहाँ से नदी का बहुत अच्छा व्यू दिखता है, वहाँ पर आप बैठ सकते हैं और बहुत मज़ा आएगा, मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, एकदम मेस्मराइजिंग स्टेट होता है वो। और कानों में ऐसी शांति की आवाज़ होती है, शांति की तो कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन वहाँ पर बहुत ही शांति की आवाज़ होती है, जो कि हमें शहर की लाइफ में बिल्कुल नहीं मिलती है। उसके बाद में हम गए मॉल रोड। मॉल रोड बहुत ही अच्छी जगह है शॉपिंग लवर्स के लिए, जो भी लोग शॉपिंग करना चाहते हैं, तो मॉल रोड इज़ द बेस्ट प्लेस टू शॉप इन मनाली। तो हम गए उसके जस्ट पीछे, वहाँ पर बहुत अच्छे से ढाबाज हैं जहाँ पर आपको अच्छी थाली मिल सकती है। तो हमने ली थाली जिसकी कॉस्ट थी सिर्फ 120 रुपीज़, और उसके अंदर आप पेट भर के खा सकते हैं अच्छे से। इस दिन शाम को हमने नेक्स्ट डे पता करा कि रोहतांग के लिए हम कैसे जा सकते हैं, तो रोहतांग जाने के 2 तरीके हैं। या तो आप अपनी खुद की बाइक रेंट पर लेकर जा सकते हैं, या फिर आप खुद की कार लेकर जा सकते हैं, या फिर आप कार रेंट पर लेकर जा सकते हैं।
लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले तो परमिट चाहिए होगा। परमिट बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना परमिट के आपको वो लोग जाने नहीं देते हैं। कार की कॉस्टिंग अराउंड 3 to 4,000 थी, उसके अलावा जो परमिट है उसके चार्जेस अलग थे। गवर्नमेंट बस के बारे में आपको बता देता हूँ, पर पर्सन 600 रुपीज़ की टिकट होती है। वो बस आपको वहाँ पर ले ली जाएगी, 2 घंटे का वहाँ पर स्टे होता है, उसके बाद में वही बस आपको लेकर भेजा जाएगी, जो कि हमारे लिए बेस्ट था। तो उसी की बुकिंग कराइए एक दिन पहले जाकर, और जो सबसे जल्दी वाला स्लॉट हो। हम मिस कर गए थे 6 o'clock वाला स्लॉट, तो हमें 8 o'clock वाला स्लॉट मिला था, क्योंकि रास्ता वैसे तो लंबा नहीं है, अराउंड 40 kilometers है मनाली से रोहतांग, लेकिन जो ट्रैवल करने में टाइम लगता है माउंटेन्स पे वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। ऊपर से फिर आपको वापस आने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सुबह 7 बजे हम पहुँच गए ब्रेकफास्ट लेकर रोहतांग के लिए। निकले तो फिर रोहतांग का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा जगह है, आपको ऐसे ऐसे व्यूज़ देखने को मिलेंगे जो आपने लाइफ में कभी नहीं देखे होंगे। इतनी गहरी गहरी खाइयाँ, इतने अच्छे अच्छे माउंटेन, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, ओह माय गॉड। गवर्नमेंट बस रास्ते में एक जगह पर रुकती है जहाँ पर आप जो अगर आप बर्फ़ में खेलना चाहते हैं, बर्फ़ में इंजॉय करना चाहते हैं, तो वहाँ पर से आप ड्रेसेस ले सकते हैं जो कि आपको रेंट पर मिलेगी 350 पर पर्सन विद ग्लव्स शूज़ और आपकी पूरी ड्रेस। ये फोटो में आप देख सकते हैं, और जिन लोगों को भी फोटोज़ खींचने का शौक है उनके लिए जन्नत है मनाली। जैसे ही रोहतांग पहुँचे तो वहाँ पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई जो कि बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। उसके बाद में फिर हम बर्फ़ के पहाड़ चढ़े खूब, वहाँ पे हमें वहाँ पे आपको लोग दिख जाएंगे, जो कुछ लोग बहुत कुछ लोग हनीमून पर आए होते हैं, कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आए होते हैं इंजॉय करने के लिए। बहुत ही अच्छी जगह है, आप बहुत इन्जॉय करेंगे रोहतांग में। 3-2 घंटे बाद में बस के वहाँ से निकलने का टाइम होगा, वहाँ पे मोमोज, मैगी और बहुत सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। आप चाहें तो साथ में आपके स्नैक्स वगैरह भी ले जा सकते हैं रास्ते में खाने के लिए।